कड़ा रुख अपनाते हुए फर्जी वाड़े में लिप्त मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बैंक खाते सीज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी शुरू करने का फैसला किया है। आदर्श और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के फर्जीवाड़े सामने आने के बाद सहकारिता विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। रजिस्ट्रार नीरज के पवन को अधिकृत प्राधिकारी नियुक्त करने के बाद से विभाग को अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर 53 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की 6,177 शिकायतें मिली हैं। इनमें मल्टी स्टेट सोसाइटी के खिलाफ 6,154 और सिंगल स्टेट सोसाइटी के खिलाफ 23 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में कुल 177 करोड़ 74 लाख से अधिक की राशि जमा होने की शिकायत है। रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि संजीवनी की 2,788 शिकायतें, आदर्श की 2,442 शिकायतें, नवजीवन की 692 शिकायतें, आस्था क्रेडिट सोसाइटी की 3 शिकायतें और किसान क्रेडिट सोसाइटी की 3 शिकायतें मिली हैं। अगर जिलेवार शिकायतों पर गौर करें तो बाड़मेर जिले से 1,254 शिकायतें, जोधपुर जिले से 643 शिकायतें, सिरोही से 435 शिकायतें, पाली जिले से 451 शिकायतें और जयपुर जिले से 343 शिकायतें मिली। सहकारिता विभाग ने निवेशकों की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने नियुक्ति के बाद से ही उन सोसाइटियों की जांच करवाई जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। इन सोसाइटियों के बैंक खाते सीज करवाए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है, साथ ही रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प के महानिरीक्षक को भी पत्र लिखकर ऐसी सोसाइटियों के मामलों में रजिस्ट्री न करने बाबत पत्र लिखा गया है। इसके बाद भी निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न नहीं मिला तो इन सोसाइटियों के संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से सोसाइटियों के संपत्ति का पता लगाने और निवेशकों की शिकायतों के सत्यापन की कार्रवाई भी करवाई जा रही है। सोसाइटियों के ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाने और अन्य सहकारी समितियों के ऑडिट की भी कार्रवाई करवाई जा रही है। इससे पहले नीरज के पवन ने प्रदेश के सभी मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के संचालकों को सहकार भवन बुलाकर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी थी। सोसाइटियों को ताकीद किया गया था कि वे धोखाधड़ी करने से बचें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।